वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान। डिफेंडिंग चैंपियन ने चुने 15 खिलाड़ी। बेन स्टोक्स की होगी वनडे में वापसी। इंग्लैंड की टीम भारत आकर वर्ल्ड कप खेलने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। इंग्लैंड की टीम 2019 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, ऐसे में वो डिफेंडिंग चैंपियन होगी और भारत में आकर वो अपना खिताब बचाना चाहेगी, जिसके लिए उन्होंने 15 खिलाड़ियों का चयन भी कर लिया है। और आपको बता दें कि इस टीम में बेन स्टोक्स की वापसी होने वाली है, क्योंकि खबरों की माने तो बेन स्टोक्स ने भारत में आकर वनडे वर्ल्ड कप खेलने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और इसमें एक धांसू तेज गेंदबाज की भी एंट्री हुई है जो काफ़ी समय से चोटिल चल रहा था। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इंग्लैंड के 15 खिलाड़ियों के ऊपर नजर डालते हैं। जॉनी बेस्टो इस टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में शुमार है। जॉनी बेस्टो बल्लेबाजी करते हुए एक ऐसी तेज तर्रार शुरुआत देते हैं जिससे वो सामने वाली टीम पर दबाव बना देते हैं। उनकी फिटनेस को लेकर कुछ सवाल था, लेकिन अब वो जिस तरीके से एशेज में खेलते हुए दिखाई दिए उससे ये कहना तय है कि वो भारत में आकर जरूर कहर मचाएंगे। डेविड मलान। जी हाँ दोस्तों, डेविड मलान इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार है। उनको वर्ल्ड कप में खेलने का अनुभव कुछ खास ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने अपना वाइट बॉल क्रिकेट वाला अंदाज भारत में आकर भी दिखाया तो वो अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लेंगे और साथ ही अपनी टीम को चैंपियन भी बना देंगे। जो रूट। इंग्लैंड की टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में शुमार जो रूट, जिनको भारत में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। भारत दौरे पर वो सबसे खतरनाक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों में भी अपना नाम बना सकते हैं। जॉस बटलर, कप्तान और विकेटकीपर। इस टीम के कप्तान होंगे जॉस बटलर और विकेटकीपर बल्लेबाज। जॉस बटलर वैसे तो आपको T20 में ऊपर खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस इंग्लैंड की टीम में उनकी जगह मिडिल ऑर्डर में बन रही है और 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, इंग्लिश फैंस चाहेंगे कि वो ठीक उसी तरीके की बल्लेबाजी इस बार वर्ल्ड कप में फिर करे। हैरी ब्रुक इस साल IPL में भारत खेलने आए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा खासा नहीं रहा था। उन्होंने सिर्फ एक सेंचुरी जड़ी थी, लेकिन हैरी ब्रुक के अंदर काबिलियत है कि वो मैच का रुख एक पल में पलट दे। तो हैरी ब्रुक भारत में वर्ल्ड कप में खतरनाक खिलाड़ियों के लिस्ट में शुमार हो सकते हैं और इंग्लैंड की टीम के बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में भी अपना नाम बना लेंगे। लियाम लिविंगस्टन को भी भारत दौरे पर अपने वर्ल्ड कप में प्रदर्शन की अच्छी उम्मीद होगी, क्योंकि लिविंगस्टन IPL में भी कई दफ़ा खेल चुके हैं और उन्होंने कई बढ़िया पारियां भी खेली है। साथ ही वो जो गेंदबाजी करते हैं वो भारत दौरे में उन्हें सफलता दिला सकती है। ऐसे में लियाम लिविंगस्टन इंग्लैंड की वनडे टीम में शामिल हो जाएंगे। मोइन अली। इस टीम में मोइन अली सबसे खतरनाक खिलाड़ी होंगे, क्योंकि एक तो उन्हें भारत में खेलने का अच्छा खासा अनुभव है, साथ ही उनकी स्पिन गेंदबाजी भारत के विकेट पर इंग्लैंड के लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकती है और साथ ही वो बल्लेबाजी से भी एक पल में मैच का रुख बदल सकते हैं। बेन स्टोक्स। इस टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी होंगे बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स वनडे को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हाल फिलहाल में प्रदर्शन किया है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि वनडे वर्ल्ड कप के लिए शायद वो इंग्लैंड की टीम में एंट्री कर जाए और फिर उसके बाद टीम को वनडे वर्ल्ड कप जिताएं और फिर भले ही वनडे क्रिकेट छोड़ दे। सैम करन इस टीम के खतरनाक ऑलराउंडर होंगे। सैम करन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत में खेलने का काफ़ी अनुभव है और ये खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय हो सकता है। आदिल रशीद। इंग्लैंड की टीम इस लेग स्पिनर को जरूर पाले में शामिल करेगी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भारत दौरे पर स्पिनर की कितनी अहमियत होती है और आदिल रशीद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत दौरे पर आकर बड़े बड़े बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं। जोफ्रा आर्चर। इस टीम में जोफ्रा आर्चर की एंट्री हो जाएगी। जोफ्रा आर्चर अभी चोटिल चल रहे हैं, लेकिन खबरों की माने तो जोफ्रा आर्चर की तैयारी चल रही है कि वो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम में जगह बना ले। ऐसे में अगर जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज इंग्लैंड की टीम में खेला तो वो कहर जरूर मचाएगा। मार्कवुड। इंग्लैंड की टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मार्कवुड, जो फिलहाल एशेज में कमाल का प्रदर्शन करके गए हैं। मार्कवुड अगर इंग्लैंड की वनडे टीम में भारत में आकर वर्ल्ड कप खेलेंगे तो वो टीम के एक बड़े मैच विनर साबित होंगे। जेसन रॉय। ये खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ सकता है। जेसन रॉय एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे में ऐसी तेज तर्रार शुरुआत देते हैं कि 10-15 ओवरों में ही मैच का रुख पलट देते हैं, तो ये खिलाड़ी इस दौरे पर इंग्लैंड के लिए काफ़ी बड़ा खिलाड़ी साबित होगा। क्रिस वोक्स। इंग्लैंड की टीम के पास एक ऑलराउंडर है, या यूं कहें कि इंग्लैंड के पास ऑलराउंडर की काफ़ी लंबी फौज है। क्रिस वोक्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत दौरे में आकर बड़ा नाम कमा सकते हैं और वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन कर इंग्लैंड को एक बार फिर से वर्ल्ड कप जिता सकते हैं।
रिस टॉपले। इंग्लैंड रिस टॉपले को भी एक तेज गेंदबाज के रूप में अपनी टीम में शामिल जरूर करेगी। तो ऐसे में इंग्लैंड के पास तेज गेंदबाजों की अच्छी खासी फौज होगी, जिसमें रिस टॉपले, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, सैम करन और बेन स्टोक्स, जो कि खुद एक ऑलराउंडर है और गेंदबाजी भी कर सकते हैं, इन जैसों का नाम शामिल होगा। तो दोस्तों, आपको इंग्लैंड की ये वनडे की टीम कैसी नजर आती है जो भारत में आकर वर्ल्ड कप खेलेगी? अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।